मुंबई छोड़कर साउथ भागे सलमान खान, शाह ने ताना मारकर सबक सिखाया, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर तब भी नहीं सुधरे। अक्षय कुमार को अकल आई, कंगना मोदी के मुरीद हो गई और अनुपम खेर की भाषा बदल गई, लेकिन तीनों खान कपूर खानदान और रणवीर सिंह की अकड़ बाकी रह गई। अमिताभ झुंड फ्लॉप, जॉन की अटैक फ्लॉप, शाहिद की जर्सी फ्लॉप और आमिर की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद का ऐसा खौफ कि मुंबई छोड़कर साउथ भागे सलमान। बॉलीवुड की बर्बादी नहीं होती अगर इन फोटो की कहानी अनसुनी नहीं होती। दर्शकों ने ठाना है बॉलीवुड को सबक सिखाना है, लेकिन अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सम्मान नहीं तो फिर बॉलीवुड स्वीकार नहीं। 3 साल पहले मोदी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार से मुलाकात की तो हल्के में ले लिया, फिर शाह ने ऐलान के साथ तेलुगु सुपरस्टार NTR से मुलाकात की तो पूरा बायकॉट ग्रुप झूम उठा। 3 साल पहले PM मोदी ने बॉलीवुड कलाकारों को पार्टी के नाम पर बुलाया, मुलाकात बहाना था, असल में ये समझाना था कि फिल्म समाज का हिस्सा है, संस्कार समाज सभ्यता और धर्म का ज्ञान दे, धन कमाना जरूरी है तो धर्म भी बचाना जरूरी है। PM मोदी के साथ चिपक चिपक कर सबने सेल्फी डाली, लेकिन अकल में ये बात नहीं आई। मोदी ने उसी मुलाकात में कह दिया कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, थोड़ा सोच समझ कर बनाइए। तब कुछ एक्टर्स ने बात को हल्के में लिया जो आज फ्लॉप हो गए, लेकिन जिन्होंने मोदी की बात को सीरियसली लिया वो आज किंग बने बैठे हैं। जो लोग नहीं समझे उन्हें समझाने के लिए मोदी ने योगी को उतारा, योगी बुलडोजर लेकर मुंबई पहुंच गए, वहां जाकर सबके साथ मीटिंग की, सबको समझाया कि देखो हिंदू सभ्यता को बदनाम मत करो, हम अपनी फिल्म सिटी बना लेंगे, फिर मुंह ताकते रह जाना, देखेंगे कहां से यूपी बिहार के कलाकार लाओगे, कैसे 100 करोड़ की फिल्म बनाकर 200 करोड़ कमाओगे। उस मीटिंग के बाद कुछ कलाकार सुधरे, लेकिन तीनों खान कपूर खानदान और रणवीर सिंह की अकड़ कम नहीं हुई। जो बात आज जनता कह रही है वो बात मोदी ने पहले ही समझ ली थी, सबको समझाया था कि राष्ट्रवाद के खिलाफ मत जाना, देश हित में फिल्में बनाना है, लेकिन कोई नहीं समझा। तब मोदी ने समझाया कि धोनी की तरह क्रिकेट खेलो तो सेना की वर्दी भी पहनो, देश विरोधी धर्म विरोधी फिल्म न बनाओ, फिल्में समाज का आईना होती हैं। कलाकारों को लगा जो फिल्म बनाएंगे दर्शक एहसान समझकर हिट करवाएंगे, लेकिन गलतफहमी निकल गई, आमिर जैसे फ्लॉप हो गए, अब शाहरुख की बारी है। ये बात समझ में नहीं आई तो जनता ने समझा दी। आज बॉलीवुड में हाहाकार मचा हुआ है, शाह ने भी कह दिया है बॉलीवुड हमारी पुलिस की इमेज खराब दिखाती है। बॉलीवुड के भाईजान को डर सताया, सीधे टिकट कटाया और चिरंजीवी के साथ फिल्म शूट करने का तरीका निकाला। हो सकता है कि अब सम्मान बच जाए। साउथ के एक्टर NTR से शाह की सोमवार को मुलाकात हुई तो जनता ने सोशल मीडिया पे लिख डाला सरकार भी बायकॉट बॉलीवुड के साथ है। मोदी से मिलने जो लोग गए थे उनमें रणबीर कपूर, आलिया, एकता कपूर, चौबे सिंह, आयुष्मान खुराना, करण जौहर, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर जैसे कई बड़े लोग शामिल थे। सबने मोदी की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। साल 2017 में जब मोदी बर्लिन गए तब वहीं प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात हुई, प्रियंका को भी समझाया था कि फिल्मों में थोड़ा अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। इसके एक साल बाद बॉलीवुड प्रोफेसर को भी समझाया था कि क्राइम कल्चर बहुत दिखा रहे हो, अब थोड़ा समाज को सीख देने वाली फिल्में भी बनाओ। जिसके बाद पृथ्वीराज और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आई, लेकिन फिर भी पूरा बॉलीवुड नहीं सुधरा। आगे देखते हैं कि क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरेआम TV।